तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉय और आपको एक फिक्स इनकम आती है मंथली तो आपको जरूर से जरूर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जनरली जो सैलरीड इम्प्लॉय होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डायरेक्ट स्टॉक के लिए रिसर्च कर सके वैसे मैंने स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हो तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है इसमें कैसे इन्वेस्ट करें और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके तो प्लीज इसका लास्ट आप मिस मत करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए मैं बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है तो जैसा कि हम नाम से ही इसका समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड एक टाइप का फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड एक ए के पास जाता है जिस, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं ये वो कंपनीज होती है जो बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है और वो एक एक्सपर्ट को देती है जो कि आपके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में आपसे वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं अच्छा तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम सिर्फ शेयर मार्केट में ही निवेश कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जरिया है जिससे हम शेयर मार्केट यानी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह से म्यूचुअल फंड के थ्रू हम डेट गोल्ड और इवन कि हम रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये तो एक बेसिक सा ओवर हो गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है अब आइए देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं एक तो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट जिसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और दूसरा होता है एस जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं तो आइए पहले देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट एफ के जैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है मतलब सपोज करिए कि अगर आपके पास एक लाख रुपए है और आपने उसे एक बार में ही पूरा इन्वेस्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और जब आपको वो पैसे निकालने हैं यानी रिडीम करने हैं तो उस टाइम भी आप एक बार में आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा और इसमें आपका प्रॉफिट उसी पर डिपेंड करता है कि आपने कब उस फंड में इन्वेस्ट किया था हो सकता है कि आपने जब इन्वेस्ट किया था उस समय मार्केट बहुत नीचे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा मिलेगा लेकिन आपने उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया जब मार्केट ऊपर हो आपने हाई में खरीदा है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉफिट कम हो तो इसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कब एंट्री कर रहे हो इसमें और कब एग्जिट कर रहे हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है और वो है एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं छोटा अमाउंट मंथली करते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट तो सपोज मान लीजिए कि मुझे एक लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करने हैं तो मैं एक लाख एक बार में ना करके पाँच पाँच हज़ार का मंथली एस आई पी कर लूंगा उससे क्या होता है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है तो रिटर्न होता है हमारा वो एवरेज आउट हो जाता है मतलब बहुत ही हाई रिटर्न भी नहीं मिलेगा और बहुत ही लो रिटर्न भी हमें नहीं मिलेगा एक एवरेज रिटर्न हमें मिल जाएगा तो इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले तो नंबर वन हो जाता है एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं उस कंपनी को हमारा फंड मैनेज करने के लिए मतलब एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज हो जाता है जो हमसे वो लेते हैं आपका पैसा मैनेज करने के लिए तो ये जब जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए दूसरा हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा प्लान डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है कोई भी फंड दो टाइप का आता है एक रेगुलर और एक डायरेक्ट तो डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आप और ए एम होते हैं और बीच में कोई भी एजेंट नहीं होता आप डायरेक्टली पैसा ए एम को देते हैं जो कि उस पैसे को इन्वेस्ट करती है लेकिन वही रेगुलर प्लान में क्या होता है कि बीच में एक एजेंट होता है मोस्टली ये बैंक्स होती हैं और वो एजेंट पैसे आपसे लेगा और वो फिर ए को पैसा देगा तो उसमें बीच में वो अपना भी कमीशन ले लेता है तो इसीलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई हो जाता है इसीलिए आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए आजकल बहुत सारे मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करते हैं जैसे ग्रो हो गया जीरोधा का कॉइन हो गया कोटा कचेरी ऐप हो गया और भी बहुत सारे ऐप है मार्केट में आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे एस बी आई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ओपन किया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों का एक्सपेंस रेशियो यहाँ है तो अगर आप देखोगे तो रेगुलर प्लान का वन पॉइंट सेवन फोर परसेंट एक्सपेंस रेशियो है वहीं डायरेक्ट प्लान का जीरो पॉइंट सेवन वन परसेंट एक्सपेंस रेशियो और डिफरेंस अगर आप देखोगे एक परसेंट का लगभग डिफरेंस है इसमें तो एक परसेंट आपका रिटर्न तो यहीं पर कम हो गया अगर आपने रेगुलर प्लान लिया तो और लॉन्ग टर्म में अगर आप चार साल पांच साल दस साल के लिए म्यूचुअल फंड को रखते तो बहुत ज्यादा आपको लॉस हो जाएगा इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड लेना आप कहीं से भी लो लेकिन हमेशा ये आप मेक श्योर sure करना कि वो डायरेक्ट प्लान हो ना कि रेगुलर तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं जिससे आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का आइडिया है और आप अच्छे से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाए तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हुए ऐसे ही कॉन्टेंट बनाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद